तुम अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं तुम? अरमान अली, तुमने क्या कहा था मुझसे कि साहब बेटी का रिश्ता तय करना है, महीने भर की छुट्टी चाहिए? मैंने दे दी तुमको छुट्टी, तुम लौट रहे हो पूरे 3 महीने के बाद, और नॉनसेंस, तुम्हारी नौकरी गई, सुना तुमने? नौकरी गई, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे काहे को बोल रहा है साहब, मेरी बात है तो सुनो। देखो ऐसा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुमको निकाल के, लेकिन पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है ना, आदमी को सोचना पड़ता है। अब जाओ तुम, काम करने दो मुझे। अरे क्या मैं कर रहे हो यार, बकरी की तरह मैं करके नए बहाने ढूंढोगे तुम? सब बहाने नहीं साहब, लेकिन एक टाइम क्या हुआ बोले तो, मैं बावड़ी में गिर गया था साहब। क्या बावड़ी मतलब? कुएं में गिर गए थे तुम? यार बहुत खूब अरमान अली, बहुत खूब। पिछली बार क्या कहा था तुमने? सर मैं नाली में गिर गया, मैंने मान भी लिया, प्लास्टर पट्टी करा के आए थे ना तुम, लेकिन इस बार देखो। इस बार इतनी गहरे बावड़ी में गिरा था साहब कि वो मार मेरे बाड़ी पे नहीं, मेरे जिगर पे लगाए। ऐसी कौन सी बावड़ी अरमान अली? ये बावड़ी देर होशियार होगी होशियारी, और घुमाने वालों का अड्डा था साहब, बातों की मशीन गन घुमाकर मेरे दिल दिमाग और गुर्दे का चिंदिया बना लिया साहब। बावड़ी में किसी टेररिस्ट का भी अड्डा था क्या? वो टेररिस्ट आके बाप थे सर। यार तू आधे घंटे से क्या बके जा रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा और वक्त देंगे तो समझ में आएगा ना साहब। देखो मेरे पास फालतू टाइम है नहीं, 50 बार कह चुका हूँ तुम्हारी नौकरी गई मतलब गई, तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए पुणे निकलना है। पुणे जाना है साहब? हाँ, तो मैं ड्यूटी पे लग जाता हूँ ना, आंधी में बात करेंगे। और अगर आपको लगा कि अरमान अली वाकई में बौड़ी में गिरा तो ठीक है, वरना उधर ही से अपना वर्दी उतार के सीधे अपने गांव चिकटपली चले जाऊंगा साहब। इम्पॉसिबल। ले पकड़ चाबी, निकाल गाड़ी। आओ साहब। वो खत जो आया था। कौन सा खत? अपने भाई रहमान अली का। उसमें ऐसे ऐसे बात लिखा था जिनको पढ़ के किसी के बाप का कलेजो मुंह को आता। अरे लिखा क्या था वो बताने यार। उसमें ऐसा लिखा था कि तुम्हारी बेटी मुस्कान दिन भर पतंगा उड़ाते रहती है, किसी की बात नहीं सुनती, हाथ से निकल गई, न दुपट्टे का ख्याल न बुरके का, और गाँव के लोंडे पोटी को देखते ही सीटियां बजाने लगते। हम लोगों ने एक पोट्टा ढूंढ के रखा है, आके निकाह पढ़ा दो, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो हम लोग जिम्मेदार नहीं। हाँ ये सब बोल के तो छुट्टी ले गया था ना, फिर क्या हुआ? तो आपने छुट्टी दी तो मैं वीटी स्टेशन पहुंच गया। अब वीटी स्टेशन से ही निकलते ना हैदराबाद की गाड़ी, तो गफलत में मैं रिजर्वेशन के डब्बे में बैठ गया। अब रिजर्वेशन कहाँ था अपने पास? अरे रेल यात्रा मत करा भाई, अपने गाँव पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ ये बता। अच्छा टीसी और मेरे बीच जो किरकिरी हुई वो नहीं बताता हूँ। मत बता, और सामने देख क्या कर रहा है, सामने रोड को देख। आओ तो मैं आपको सीधे अपने गांव चिकटपली लेके जाता हूँ। गांव में इतने बहुत से होर्डिंग आए को लगाए, पढ़ के बता सकते हैं साहब? इतना पढ़ा लिखा होता तो आपको बिठा लेके खजे के साथ खींच के काई को लेके जाता मैं। अच्छा आपकी तशरीफ की तस्तरी कहाँ से आ रही है साहब? ये मुंबई से। मुंबई से? मुंबई में तो इतने पढ़े लिखे होते हैं ना साहब, आप भी पढ़ लो। हाँ पढ़ सकता हूँ मैं, पढ़ सकता हूँ मैं, लेकिन क्या है मेरे पढ़ने की ऐनक मैं बैग में रखा मैं, इसलिए बोला। बैग में रखते हैं साहब, पढ़ने की है ना, निकाल के पढ़ लो साहब आप। अरे मियाँ आप चलो भी, आप अभी मैं क्या बोलूँ, अभी कितना बोले जमाना, हम मुंबई में बोलते कि मराठी बोलो, इधर बोलते तेलुगु,
मशीन में बोलते तामिल, इसके वास्ते में मेरी पढ़ने की ऐनक बैग में ही रखता हूँ। और मेरे अब्बा बोले करते थे कि मियाँ कि बेकार में नको सीना तान, बोलो मोहब्बत की जुबान। सही बोले ना? वो काटे, उसको काट ले, वापस खींचना, खींच। मुस्कान, मुस्कान मेरी बेटी, खींचे आ जल्दी। अब्बा, ये सकीना, पतंग पकड़, पकड़। रुको रुको रुको। मुस्कान। ओहो मेरी बच्ची, कैसे हो बाप? बहुत अच्छा हूँ, मेरी जिगर की टुकड़ी। बोलो भाई कितने हो गए? पांच रुपए। भोले हो गए हो क्या? पांच बिलास का रास्ता नहीं, तुम पांच रुपए मांग रहा? अल्लाह को क्या जवाब देगा तू? अल्लाह से पहले मेरे जोरू बच्चों को जवाब देना पड़ता। अच्छा, अच्छा लाओ चार रुपए, एक रुपए का पानी पिला दो साहब। ए, पानी वानी नहीं है हमारे पास, जा जाके होटल में पी ले। बेटा मुस्कान, ऐसा नहीं बोलते, पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, ये सवाब का काम है। अब्बा, गांव में पानी की किल्लत चल रही है, 3 किलोमीटर जाके पानी लाती मैं। अरे काका, 4:30 लेके रवाना हो अब। लोग आए भाई, एक गिलास पानी को भी कैसा कर रहे लोग? छोटे बैग लेके जा, मैं बड़ा लेके जाऊंगा। ये लो सर, जय होटल में पानी पी लेना।